स्वागतम मैं वो दूध जो हेलो गाइस, तो आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल गेमर पर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक पेपर का फ्लैबी बर्ड कैसे बनाते हैं। आपने बहुत जल्दी देखा होगा फ्लैबी बर्ड, और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से फ्लैबी बर्ड बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं टैम्पलेट का पेपर, आपके न्यूज़ पेपर जो भी आपका आजकल के दिल्ली रैंक है हिंदुस्तान टाइम, वहाँ उसमें ऐसे टैम्पलेट्स आते हैं तो आप आता होगा आपको। जी मैं इसमें टैम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप जितनी छोटी या जितनी बड़ी फ्लैबी बर्ड बनाना चाह बना सकते हैं, वो आपके पेपर के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आपको इतनी बड़ी फ्लैबी बर्ड बनानी, इतनी बड़ी भी होती है बनानी है, तो आप एक पिन पे काटे और उसका एक यहाँ होने से बहुत बड़ा स्क्वायर काट लिया, उससे बना लिया, उससे भी बड़ी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए तो यूज़ करके बना लीजिए। तो गाइस इसमें वो साथ करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको ट्राइंगल में फोल्ड करूँगा स्क्वायर को इस तरह, और अब मैं स्क्वायर को दूसरी साइड के ट्राइंगल में फोल्ड करूँगा। अभी हमने ऐसे किया था ना, अब हमें ऐसे करना है। गाइज अगर आपको ये वीडियोस आपको ये वीडियो एक साल पहले ही मिल जाती, लेकिन तब मुझे ना इतना मतलब समझ नहीं थी कि डाले कैसे, कि लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा, इसलिए छोड़िए। और अब देखिए जैसा आप देख रहे थे कि मैंने इसको दोनों साइड से ट्राइंगल करने के बाद स्क्वायर में भी फोल्ड कर दिया। ऐसे मेरी वीडियो पेपर क्लॉ में था, वो मैंने अभी रिसेंटली डाली थी एक दो हफ्ते पहले, और अब इसको इस साइड करना है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए मेरे चैनल और गेमर पर जाके। और गाइस इसको हमें दोबारा से हाथ में फोल्ड करना है, मतलब ये कुछ हो गया ऐसा। हमने इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया, यहाँ से दोनों साइड से ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया, और दोनों साइड से स्क्वायर में भी फोल्ड कर लिया। तो गाइस हम इसको दोबारा से ट्रायंगल कर लेंगे किसी भी साइड से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ स्क्वैश करना है हमें। ये देखिए ये जो है ना, इसको हमें इसके अंदर डालना है कुछ ऐसा, और इसको बंद कर देना है। एक और बार दिखाता हूँ, देखिए ये जो है ये यहाँ गैप देख सकते हैं, गैप ये ट्रायंगल है ना, इसको हमें नीचे पुश करना है ताकि ये डायमंड बन जाए, और इसको अंदर ही स्क्वैश कर देना है और इसको फोल्ड कर देना है। आप अगर मेरे वो क्या कहते हैं उसको अभी ना, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या कंटिन्यू व्यूअर हैं, मतलब लगातार मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि स्क्वैश कैसे करना है। इस साइड से भी इसको स्क्वैश करना है, हम इसको स्क्वैश कर लिया। देखिए ये जो साइड है ना, जहाँ पर ये बीच के ये दो और ये ऊपर का एक है, हमें अब ये जो है ये दोनों इसको ऐसे फोल्ड करना है। एक मिनट हाँ हाँ, ये दो है ना, ये हमें इस वाले को ऐसे फोल्ड करना है, तो ऐसे जिससे कि ये गाइस सेंटर तक आए। देखिए हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, देखिए जिससे कि हाँ, दूसरी साइड से भी सेम करना है गाइस। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं ये वाला पार्ट। गाइस जब हमें हो गया है हम दोनों साइड से, हमें इसको खोलना है, और ये जो है ना इसको यहाँ करना है ऐसे, इसको मतलब बस फोल्ड करना है, और अब इसको पीछे करना है जो हमने फोल्ड किया ना अभी, उसको पीछे करना है।
वैसे ही जैसे हमने पहले किया था ऐसे। और हमें इसको खोलना है, मतलब बेसिकली हमें इसको दोनों साइड फोल्ड करना है आगे पीछे। दूसरे वाले के साथ भी सेम करेंगे, पहले इसको आगे फोल्ड किया और फिर बाद में पीछे। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, फ्लिप कर देंगे। देखिए हमने इसको पलट दिया, सिर्फ यहाँ पर भी सेम करना है, इसको यहाँ तक फोल्ड करना है अच्छे से स्मूथली, उससे नहीं। और इसको भी यहाँ तक फोल्ड करना है। तो गाइस आपको पीछे बैकग्राउंड में बारिश होने की आवाज़ आएगी, क्योंकि अभी इस वक्त द्वारका में भारी बारिश हो रही है और यहाँ पर ठंड भी बढ़ चुकी है, क्योंकि तो बालकनी खुली है ना। ये दोनों को हमने यहाँ फोल्ड कर लिया और इसको आप यहाँ फोल्ड करेंगे और इसको भी पीछे फोल्ड कर देंगे कुछ ऐसे। और इसको भी पीछे फोल्ड कर देंगे कुछ ऐसे। अब हमने चार साइड से आगे पीछे फोल्ड कर लिए, तो अब हमें ये जो है ना ये वाला, इसको उठाना है और इन दोनों को अंदर डालना है। देखिए इसको यहाँ तक लाना है, इस लाइन तक ऐसे, और ऊपर से भी यहाँ पर भी वही सेम करना है। ये हो गया, और अब इसको नीचे फोल्ड कर देना, स्क्वैश कर देना है, मतलब एक तरह से इन दोनों को अंदर की साइड स्क्वैश करना है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो गाइस अब हमें इसको फ्लिप करके दोबारा से वही यहाँ करना है, इन दोनों को बेसिकली एक तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, स्क्वैश तो नहीं है। ये देखिए हमें इसको यहाँ तक लाना है ऐसे, दूसरी साइड से भी यही करना है। ये हमारी फाइनल साइड है, इसके बाद आसान काम आने वाला है सारा। ये देखिए इसको हमने पहले अच्छे से खोल लिया अंदर से, इसको यहाँ पर ले आए और ऊपर वाले को यहाँ, और हम इसको यहाँ कर देना है। तो गाइस ये कुछ बन जाएगा आपका ऐसा, देखिए एक मिनट तो अब हमें इसको ये जो है ना इसको ऊपर फोल्ड करना है ऐसे, ताकि लगे कुछ ऐसा। पलटना है इसको भी, अब ऊपर फोल्ड कर देना है। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा स्क्वैशिंग वाला पार्ट आता है, ये जो आप एक मिनट, ये जो आप देख सकते हैं ना, ये हमें इसको यहाँ से उठाना है। एक और मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना उल्टी में दिखाई नहीं देता। ये हमने ऐसे खोला था ना, इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ से और अंदर स्क्वैश कर देना है कुछ ऐसे। दूसरी साइड से भी गाइस सेम करना है। आई होप आपको समझ आ गया हो इसको। हाँ ऐसे, ये है ना इसको यहाँ, और फोल्ड। हाँ ये ऐसे, हमने यहाँ से अंदर डाला था ना, ये इसको फोल्ड कर दी दोबारा से। अब गाइस यहाँ पर आसान पार्ट आता है, हमें इन पंखों जो है ना ये, इनको दोबारा से नीचे करना है, जिससे कि हमारी बर्ड के पंख बन जाएंगे। रुकिए रुकिए, हमें इनको दोबारा से ऊपर करना है। और ये जो आप देख सकते हैं ये निकला हुआ, इसको नीचे ले आना है यहाँ तक,
गाइस ये बन जाएगी हमारी फ्लैपी बर्ड की टेल, जिससे हम उसको फ्लैप करेंगे। और गाइस अब हमें ये जितना लाया ना हमने यहाँ तक उससे थोड़ा कम हमें इस वाले को लाना है कुछ ऐसे। तो हमें इसको इसका हेड बनाना है। तो सबसे पहले हेड बनाने के लिए इसको यहाँ से खोलेंगे और हल्का सा इतना पार्ट हम नीचे इसके ऐसे कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे दोबारा से। और गाइस हेड बनाने के लिए अब हम इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे कुछ ऐसे, तो हो जाएगा इसका हेड। ये ऊपर से सही नहीं बनेगा तो भी चलेगा। और गाइस अब पंखों के लिए हमें ये जो है ना हमारे पंख का पीछे वाला पार्ट, इसके अंदर उंगली डाल के इसको पूरा खोलना है, जो हो जाएगा वो ज़्यादा यहाँ से नीचे से हल्का सा दबाना है। देखिए दूसरे पंखा भी गाइस हमें सेम करना है, इसको यहाँ से नीचे से खोलना है पूरा और दबाना है हल्का हल्का। और अब हमें इनको हल्का सा ऐसे फोल्ड कर देना है। तो गाइस हमारी ये पता नहीं क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे हुआ। हाँ तो अब हमें इसको धीरे धीरे से फ्लैप करना है। गाइस इनको कुछ ज़्यादा ही ना मैंने जैसे किया था ना फोल्ड, ऊपर से हल्का से कर देना। अब ये हमारी जो फ्लैपी बर्ड है उड़ने के लिए तैयार है। इस वजह से एक ही पंख फटफट आ रहा है, ये हर बार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में, अब फटफट आएंगे देखिए। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपके किसी दोस्त को देखने तो आप उसके साथ ये शेयर भी कर देना। तो गाइस फॉर टुडे गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।